नमस्कार, मैं रूप किशोर, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज उत्तर प्रदेश शहर के अलीगढ़ में उस्मानपाड़ा क्षेत्र में, जहां गंदगी का साम्राज्य है। यहां की डेयरियों से निकलने वाले गोबर को यहां के लोग नालियों में बहा देते हैं, जिससे मोहल्लेवासी काफ़ी परेशान हैं, जबकि नगर निगम लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा। आइए जानकारी करते हैं यहाँ के लोगों से, देखिए रिपोर्ट पत्रकार विशाल नारायण शर्मा के साथ। इमरान, किस जगह, ये कौन सी जगह है? ये चौड़े नाले से बड़ा लगता है। तो ये जो गंदगी पड़ी हुई है, ये रोजाना का यही हाल है? ये रोजाना का यही हाल है, और तकरीबन जब से मस्जिद से कूड़ा उठ रहा है ना, हाँ, जब से ही ये रहता है। और ये कूड़ा उठा रही है, पुलिया भी टूट गई है भाई सब, ये देखो ये सब टूट गया, इससे सब गंदगी रहती है यहाँ पे। तो ये इससे कहीं आपको लगता नहीं बीमारी फैलेगी? हमारी फैलेगी तो नहीं फैलेगी, पता है कैसे आपको। आपने कभी कहा इन लोगों से कि भाई ये गंदगी पर? ये बोलते हैं कि भाई ऐसे उठेगा कूड़ा, है ये बोलते हैं कूड़ा ऐसे ही उठेगा, ऐसे ही उठेगा। हाँ, मशीन वाले से कई बार बदतमीजी हो गई है। मशीन वाला आता, वो हाथ भी नहीं लगाता है। क्या नाम है उसका? नाम तो उसका पता नहीं, कई बार उससे बात करी है मैंने। हाँ। वो ये कहते हैं यहाँ पे भाई साहब ऐसे उठेगा, और बिना सुने सीधे चले आते हैं। बिना सुने देखो, आधा आधा कूड़ा नाली में जा रहा। ये आधे आधा जितना मशीन उठा लेती है, उसके बाद ये होता। और ये देखो इधर, ये नाली पूरी जाम, ये पूरी जाम है नाली, ये वाली, ये पूरी नाली जाम है सब। ये काय से हो रही है जाम? ये कीचड़ है सब, इसी में डाल के चले जाता है। नहीं, ये कीचड़ किस, ये जो आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये नाली में आ रही है। क्या नाम है? रईस नाम है मेरा। तो ये गोबर भेज देते हैं नाली में? रोजाना गोबर आता। किनकी डेयरी है? पीछे पैसा जो है मोहरा दूध वाले की डेयरी है। तो ये रोजाना का यही हाल है? रोजाना का। और लोगों ने शिकायत की है तो क्या कहते हैं ये लोग? कई दफे शिकायत करी थी कि वो चालन कट जाता हमारा, तो उसमें हमें क्या दिक्कत है? ये हमारा तो चालन कटता है हमें, और ये नालियाँ जाम होती है, इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। खाली वो ये कह देता है कि हमारा तो चालन कटता है महीने से महीने, बस बात करते हैं। तो हम चालन के पैसे जमा कर देते हैं। हमने नालियों में गोबर देखा है, आपने वीडियो उसकी बनाई है, ये पीछे सबमर्सिबल से बहा दिया जाता है। और जो हमारे कर्मचारी आते हैं उनको बाकायदा पूरा सेटिंग करके दूध दे दिया, कभी कुछ दे दिया, तो आँखों में पर्दा पड़ा हुआ है। आम पब्लिक को परेशानी है, बीमारी का सामना है। यार कहीं ना कहीं ये दूध लेके और पैसे लेके ये सब सेटिंग से काम हो रहा है। और डेयरी वाले ना बाहर बहा देते हैं, डेयरी वाले बाहर बहा देते हैं, गोबर जो है नालियों में बहा देते हैं, सबमर्सिबल से नालियों में जाम रहता है। नालियों में हाँ, नालियों में देख लिया आपने, वीडियो बनाई ली। ये दूध भी लेते हैं उनसे? अरे दूध है, पैसे हैं, सारी सेटिंग है, सब काम सेटिंग से होते हैं। दो तीन डेयरी हैं आगे, और यहाँ दो तीन डेयरी हैं। यहाँ के बाशिंदे इस गंदगी को झेलने मजबूर हैं भाई साहब। नाली जुमे के दिन तो खासतौर से नाली जाम होती है, जो नमाजी नमाज को जा रहे होते हैं ना मस्जिदों में, अक्सर उनके कपड़े खराब होते हैं, अक्सर करके हर जुमे को नाली जाम होती है यहाँ पे। हर जुमे को गाड़ी वाले छींटे मार गए नालियों में, कुत्ते निकल के भाग रहे हैं पानी में, ना छींटे मारते हुए जा रहे हैं। सारे पानी भर जाता सड़कों पे, गंदगी यहाँ जमा था सब, गोबर नाली तो नाली का गोबर बाहर सड़क पे। तो ये कौन सी डेयरी है? पीछे है दो तीन डेयरी है, हाथी वाले पुल पे है, दो तीन डेयरी है। कौन सी डेयरी आई है? इसका तो नाम मुझे पता नहीं, बहरहाल दो तीन डेयरी है लाइन से, गोल्डन लॉज के आसपास है, आदि वाले पुल पे। तो इन लोगों ने नर बना रखा है, समर सेबिल से बहा दिया जाता है, वो सारा आके आहिस्ता करके यहीं पे जाम में फंसता, सब यही जाम होता है। और जुमे के दिन ये नाली खास तौर से जाम हो जाती है, उसके बाद नमाजियों को सबसे ज्यादा परेशानी, साइडों का कूड़ा उठा नहीं सकती, साइडों से जो कूड़ा उठाने इससे नमाजियों को सबसे ज्यादा परेशानी है, सबके कपड़े खराब, झाड़ू वाला सब सही है, पास आसपास कूड़ा भरा जाता है, कोई सफाई नहीं होती, कर्मचारी गली में आते ही नहीं है, सफाई करने से भारी भाषा उठाते हैं। कभी आपने कहा उनसे? कहा तो मानते नहीं कि हमारा हल्का नहीं है, ये हमारा हल्का नहीं है, ये हमारा इलाका नहीं है साफ करने का। तो यहाँ की निगम पार्षद है, क्या नाम है? हुसैन बानो। जब से वो इलेक्शन जीती है, ये पट्टी जिस पट्टी पे खड़े हुए हैं आप, ये पूरी पट्टी हुसैन मानो की है, देख देख करने एक बार भी नहीं आई है देखने के लिए। इलेक्शन से पहले उनके बच्चे ने राउंड लगाया था कि हमारी अम्मी का ख्याल रखना।
देखो लो जाम लग रहा है ये। आज हम आए हुए उस्मान पाड़ा, आप देख सकते हैं ये दोपहर के 12 बज रहे हैं और उस्मान पाड़ा की गलियों में लगा हुआ जाम। और ये नगर निगम की कूड़ा उठाती ट्रॉली और जेसीबी, ये नज़ारा उस्मान पाड़े का है। और आप देख सकते हैं कि नगर निगम अपनी मर्जी मन मर्जी से ये काम करता है। ये आप देख सकते हैं ये नज़ारा उस्मान पाड़े का है। यहाँ आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, लोग जाम के जाम को झेलने में मजबूर है। ये उस्मान पाड़े का नज़ारा ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये पूरा जाम लगा हुआ है। कूड़ा उठा के ये मोटरसाइकिल पे गंदगी देख सकते हैं आप। ये मशीन ने कूड़ा उठाया, ये इस तरीके से मशीन से कूड़ा उठाया गया है। और गाड़ियों पे भी कीचड़, तो मशीन वाले से कहो कि एक तरफ इकट्ठा करके तब उठाओ। खाते खाते पे कूड़ा फैलता है, इसमें कोई बात नहीं। पुलिया तरह पुलिया तोड़ दिया मशीन से हमारी। जी जी, ये पुलिया बनती है ना हमारी, हाँ। ये भी टूट गई है मशीन से, पंजे से। तो आपने शिकायत करी तो क्या कहा? कहा था भाई गंदगी रहती है, बोले भाई मशीन से उठ रहा है हम क्या करें। हैं जो कह रहे थे मशीन से उठ रहा है हम क्या करें, हम क्या करें जी। तो ये सुनने को तैयार नहीं होते? सुनने को तैयार नहीं है, पूरा मोहल्ला कह रहा है आपसे। मैं कुछ दिल कह रहा हूँ, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। मेरी कई बार बात हो रही है यहाँ पर, और मैंने तो एक बार कहा, मैंने कहा मैं नगर निगम में आपकी वीडियो भेज दूँ, बोले वीडियो बना लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, वीडियो बना लो, बना रहे हो तो ये कहते हो हमें किसी का डर नहीं लगता? इस तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि वो उतरने को तैयार ही नहीं होता मशीन पे से। अब आप देख रहे हो जितने उठा के ले गई कूड़ा ले गई मशीन, उसके बाद ऐसे ही पड़ा हुआ। नहीं, मैंने अभी मशीन से जो कूड़ा जैसी भी उठा है तो ये मैंने अभी कैच किया है, अभी ये दिखला है यहाँ पे मशीन। एक चीज़ और कही थी मैंने, ये कूड़ा जो होता है ना यहाँ पे बिल्कुल जड़ में होता है, तो सुबह जो आते हैं वो फामड़े वाले, तो उनसे मैंने कहा था कूड़ा थोड़ा बाहर निकाला करो। क्या कहते हैं वो? कि भाई वो उठ जाएगा मशीन से ऐसी, वो एक दूसरे पर टाल जाते हैं, एक दूसरे पर टाल जाते हैं। और रोजाना का कमोबेश यही हाल है, ये डेली का महीनों से जूझ रहे हैं। सवा बारह बजे कूड़ा उठने आया इतने टाइम, जबकि कितने बजे तक उठ जाना चाहिए कूड़ा? सुबह मतलब 7-8 बजे तक उठ जाना चाहिए कूड़े को। तो कहीं ना कहीं जाम भी तो लगता होगा? कहीं कोई जाम नहीं है, अब जो दोपहर में मैंने जाम किया, अभी अब जाम दोपहर में जब देर से आओगे तो जाम लगेगा ना भाई साहब। अच्छा अच्छा, जब दोपहर में आओगे तो जाम लगेगा, सुबह तो कहीं ना कहीं जाम का कारण ये ट्रॉली और ये जेसीबी बनती है। अब आगे आओ, पूरा ट्रैक्टर करके मतलब आड़ा करके पूरा, मैं जब कूड़ा भरा जाता है साइड निकल ले जगह कोई नहीं छोड़ता, पूरा बीच में लेके बिल्कुल छीट में। और अगर कोई शिकायत करता है तो क्या कहते हैं? कूड़ा ना भरे तो लड़ने को भी तैयार होते हो? नहीं होते, बदतमीजी करते। कौन कर सुनेगा बदतमीजी? बदतमीजी भी कर जाते करते। गाड़ी का हाल क्या कर रही है देखिए आपकी, तमाम गाड़ी में कूड़ा गंदगी हो रही है। दे देखो अब आ गया भाई साहब, आ गया उनका कूड़ा उठ रहा है 12 बजे, ये जेसीबी की वजह से ये जाम लगा हुआ है, क्या करना चाहोगे भाई? ये गलत है टाइम जी, टाइम गलत है, सुबह का टाइम रखना चाहिए 9 बजे तक 10 बजे तक। और अब तो कितने बज रहे? अब तो 11:30 बज चुके, 12 बजे के करीब है। तो ये क्या ये सही है? गलत है बिल्कुल। ये कब से लग रहा है? ये परेशान करना है। ये कब से लग रहा है जाम? ये आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? क्या ये इस तरीके से कूड़ा उठाना ठीक है? ये गलत कर जाते हैं जी, गलत कर जाते हैं। ये रोजाना का यही हाल है? रोजाना रोजाना कूड़ा रुक जाए, रोजाना की यही हाल है? रोजाना की यही हाल है। तो आपने कभी शिकायत की इन लोगों से? मनमानी करें जी।